देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण काफी धीमे हो चला है। दिल्ली में जहां संक्रमण दर न्यूनतम स्तर पर है, वहीं दूसरी ओर रिकवरी रेट रिकॉर्ड स्तर पर है। इसी बीच मार्च 2020 से बंद पड़े स्कूलों में आज फिर से घंटी बजने लगी है। इसके अलावा राजस्थान में भी आज से 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं। एक लंबा अंतराल बीत गया है और उसके बाद अब फिर से आज से स्कूलों में रौनक लौटी है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुकी हैं। प्रीत किरण, क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुले हैं, तो ये भी सुनिश्चित किया गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का, हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पूर्णतया पालन हो। जी बिल्कुल, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन हो। करीबन लगभग ये कहा जाए कि 10 या 11 महीने के बाद स्कूल खुल रहे हैं, और ऐसे में तमाम जो स्कूल में स्कूल कर्मी है उनका, उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। और जिस तरीके से छात्र अगर स्कूल नहीं आते हैं, पेरेंट्स उन्हें नहीं भेजना चाहते हैं, तो स्कूल प्रशासन की ओर से उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है। ऐसा केंद्र सरकार की ओर से भी और राज्य सरकार की ओर से भी गाइडलाइंस जारी करके बताया गया है। यानी कि जिस तरीके से पिछले लगभग 10 महीने से स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस की जा रही थी, ठीक इसी तरीके से ये क्लासेस ली जा सकती है। राजधानी में दिल्ली में भी आज 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में तमाम, क्योंकि स्टूडेंट्स 9वीं और 12वीं के हैं, तो ये तमाम चीजें फेस की जा सकती हैं कि अभी तक बच्चे जो है घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसे में किसी भी तरीके से उनकी हेल्थ को कोई रिस्क ना हो, क्योंकि बच्चे स्कूल में आएंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग का अगर ख्याल नहीं रखा गया और किसी भी तरीके से कोई भी स्टूडेंट्स कोरोना पीड़ित पाया जाता है, ऐसे में पूरे स्कूल को फिर से एक बार सील करना होगा, तमाम जो प्रोटोकॉल से उनका पालन किया जाना होगा। तो इस तरीके से दिल्ली सरकार की ओर से, तमाम स्टेट गवर्नमेंट की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। स्कूल हालांकि धीरे धीरे जरूर पटरी पर लौट रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके से तमाम जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाए। जी, क्या पूरी रूपरेखा प्रीत किरण रहने वाली है? क्योंकि देखिए, ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जिन स्कूलों में ज्यादा, जिन क्लासेस में अगर ज्यादा बच्चे हैं, तो उनको अलग अलग शिफ्ट में बुलाया जाएगा ताकि ज्यादा जो बच्चे हैं एक साथ एकत्रित ना हो। जी बिल्कुल, अलग अलग शिफ्ट में बुलाए जाने की बात की जा रही है। या ये भी कहा जा रहा है कि ऑल्टरनेटिव डेज में भी अगर स्कूल में ज्यादा इस बात की दिक्कत है कि कहीं ना कहीं इस स्टूडेंट ज्यादा हो रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव डेज भी उनको क्लासेस के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि 9वीं से 12वीं तक के जो स्टूडेंट है उनको ही ज्यादातर स्कूलों में बुलाया जा रहा है। ऐसे में ऑल्टरनेटिव डेज भी क्लास ली जा सकती है, और भी कई विकल्प जाए जा सकते हैं कि हर दिन जो है सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस ना हो, जिन सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स को जरूरी पढ़ाया जाना है उन सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो। ये पूरी तरीके से स्कूल पर निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को आगे गाइड करना चाहते हैं, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। हालांकि रोज स्कूल आना ये राज्य सरकार की ओर से तरीके से इस बात के लिए फोर्स नहीं किया जा रहा है। स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से किसी भी दिन स्कूल आ सकते हैं, बाकी दिन ऑनलाइन क्लासेस मिल सकते हैं, इस बात के लिए पूरी तरीके से छूट दी गई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रीत किरण। तो लॉकडाउन के बाद से स्कूल कॉलेज बंद थे और आज एक बार फिर से रौनक यहां पर लौटेगी।